अनुपमा सीरियल में रूपाली गांगुली की मां का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस माधवी गोगटे का निधन हो गया है। 28 साल की माधवी गोगटे ने 21 नवंबर को मुंबई के सेवन हिल्स अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। रिपोर्ट्स के अनुसार माधवी कोरोना की चपेट में आ गई थी। तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इलाज के दौरान माधवी की सेहत में काफी सुधार भी हुआ था, लेकिन रविवार को माधवी की तबीयत अचानक खराब होने से उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, परंतु इलाज के दौरान माधवी ने अंतिम सांस ली। एक्ट्रेस के देहांत की खबर सुनकर अनुपमा सीरियल के सभी कलाकार बेहद दुखी हैं। शो के सभी कलाकार माधवी के देहांत पर शोक जाहिर करते नजर आए। वहीं रूपाली गांगुली ने भी अपने इंस्टाग्राम पर मैसेज पोस्ट करते हुए माधवी को श्रद्धांजलि दी। रूपाली ने माधवी के साथ अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, बहुत कुछ अनकहा रह गया। माधवी ने अनुपमा शो में पहले अनुपमा की मां का रोल निभाया था, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने से उनकी जगह सविता प्रभु ने ले ली। माधवी की दोस्त नीलू कोहली ने भी उनके लिए एक इमोशनल मैसेज शेयर किया, माधवी मेरी प्यारी दोस्त, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम हमें छोड़कर चली गई, दिल टूट गया है, तुम्हारी अभी जाने की उम्र नहीं थी, डैम कोविड, काश जब तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया तो मैंने फोन उठाकर तुमसे बात कर ली होती, अब बस मैं पछता ही सकती हूँ। माधवी को एकता कपूर के सीरियल कहीं तो होगा में सुजल की माँ के रोल में लोकप्रियता मिली थी। उसके बाद वे कोई अपना सा कहीं तो होगा जैसे सीरियल में भी नजर आई थी।